हेलो एवरीवन, ये देखिए बच्चों, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। ऑनियन रूट टिप का, माइटोसिस का एक्सपेरिमेंट। माइटोसिस प्रोसेस जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, दो फेज में बटी होती है। एक इंटरफेज होता है बेटा, एक एम फेज होता है। इंटरफेज में सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है, और एम फेज में माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे सेल में डिवीजन होते हैं। उसके कई स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, वो आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये सेल का एक हम बल्ब लेते हैं जो मीडियम साइज का होता है। इसको ऐसे करके पूरा एक कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। फ्लास्क में पूरा उसे बिल्कुल ऊपर तक पानी भर देते हैं, ताकि इसका बेस इससे टच रहे। फिर हमने इसको निकाल लिया है यहाँ से, एक सीजर की हेल्प से, या हम उसके कोई भी रेजर ले सकते हैं उसकी हेल्प से। इसकी रूट टिप्स का अगला पार्ट जो आगे का टिप होती है, उसको कट कर लेते हैं। ऐसे करके कट करके इसमें एक पैटी डिश में ले लेते हैं। ये आगे का नुकीला पार्ट हम क्यों ले रहे हैं रूट टिप का, क्योंकि ये मेरिस्टमेटिक जोन मौजूद होता है। इस रूट टिप में सारे टिश्यू ही हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं। ये हमने सब ले लिए हैं, इसमें कुछ ले लिए हैं, इसके पार्ट ही काट लिया है बेटा, ठीक। मेरिस्टमेटिक जोन यहाँ पर इसमें मौजूद है, ताकि डिवीजन सेल का आसानी से हो पाए, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है बेटा। ये हमने कई रूट टिप के पीस ये निकाले हुए हैं, ठीक है। ये बच्चे हमने ले लिया है, अब आप देख सकते हैं कि हमने ले लिया है रूट टिप। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला काम, ये N/10 HCl सोल्यूशन है बेटा। इस सोल्यूशन के हम कुछ ड्रॉप्स, ये देखिए, इस ड्रॉपर से लेंगे N/10 HCl, और इसको यहाँ हमने इसमें डाल लिया बेटा, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स HCl सोल्यूशन का हमने इसमें ये ले लिया बेटा, ठीक। अब इसको हम हीट करेंगे, ये तो हम ले चुके इसमें, अभी हम इसको हीट करेंगे। इस N/10 को हम ढक देते हैं बेटा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले हमको ये बर्नर लेना पड़ेगा। एक बर्नर को पहले हमें चलाना पड़ेगा, बर्नर की हेल्प लेना पड़ेगी। ये देखिएगा, ये बर्नर को हम जला रहे हैं बेटा। ये बर्नर जलना शुरू हो गया है। अभी हम इस पर क्या करेंगे, जिस पैटी डिश में हमने N/10 HCl लिया था, उसको हम ऐसे होल्डर की हेल्प से थोड़ा पकड़ते हैं टाइट करके, और उसको हीट करेंगे इस तरह से। देखिए, हीट हीट एक जगह रख के नहीं करते कभी भी, नहीं तो क्या होता है, हमारी सेल डैमेज हो सकती है। जो सेल डिवीजन हो रही थी, जो मेरिस्टमेटिक जोन था, वो ख़राब हो सकता है। एक जेंटली हीट करते हैं इस तरह से, हिला हिलाकर, लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कुछ समय में हम देखेंगे यहाँ पर हल्का सा स्मोक दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब ये होता है, जब ये स्मोक आने लगता है, कि सेल 50 से 60 पर टेम्परेचर ले चुकी है। 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल चुका है इसको, रूट टिप को। ये जेंटली हमने वार्म कर लिया है बेटा ऑलरेडी, ठीक है। आप देखते हैं स्मोक सा नजर आ रहा होगा आपको निकलता हुआ। इट इंडिकेट दैट टेम्परेचर विल बी 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर। अब हमने जब ये टेम्परेचर इस तरह से हो चुका है, इसको वार्म कर लिया है, अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे, एक तरफ रख लेंगे बेटा। इसको हमने बुझा दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको ये एसीटोकार्मीन एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को हमें लेना था। इस सोल्यूशन को कुछ ड्रॉप्स हमको एक दूसरी पैट्री डिश में डालनी है, सबसे किसी और पैट्री डिश में ले सकते हैं। ये देखिए, एसीटोकार्मीन मैंने लिया और यहाँ छोड़ दिया। एसीटोकार्मीन एक फिक्सेटिव एजेंट होता है, ये फिक्सेशन में हेल्प करता है सेल की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारी सेल्स थी, उन सेल्स को ये इसकी हेल्प से उठाना है और इसके अंदर प्लेस कर देना है ब्रश की हेल्प से, ठीक है। सेल्स को यहाँ लगा देना है, जो जो सेल्स हमने ली थी अभी, ये हमें रूट टिप सारी इसमें डाल देंगे, प्लेस कर देंगे।
ताकि वो फिक्सेशन हो सके उन पर। ये देखिए मैं डाल रहा हूँ कॉपी, ये इसमें थोड़ा समय लगता है बच्चों, ये मैंने एसिटोकार्बिन लिया है, ये फिक्सेटिव एजेंट होता है और ये इसमें सेल को करीब 30 मिनट तक हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। आफ्टर 30 मिनट ये आसानी से फिक्सेशन कर लेती हैं। सारे रूट टिप हमने इसमें डाल रखी है बच्चों, ठीक। इसके बाद जो हमें 30 मिनट बाद क्या करेंगे, एक स्टेप और लेना पड़ेगा। इस तरह से हम एक पैकेट डिश लेते हैं, उस पैकेट डिश पे ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप डालेंगे, ठीक। और उस एसिटिक एसिड को हम क्या करेंगे, उसमें ये वाली जो हमने फिक्सेशन जिसका कर रखा है एसिटोकार्बिन वाली रूट्स को उठाकर यहाँ रख लेंगे, ठीक है। फिर उसको जेंटली रैप करेंगे। तो अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे, आफ्टर 30 मिनट्स हम दोबारा आपको बताएंगे। हाँ, जैसा कि अभी आपने देखा 30 मिनट का समय हो चुका है और ये एसिटोकार्बिन में हमने वो रूट टिप डाली थी जो NY10 सोल्यूशन में जिनको हमने हीटअप किया था, और अब वो रूट टिप इसमें मौजूद है। 30 मिनट हो चुके हैं, सेल में फिक्सेशन फिक्स हो गई होंगी इसमें। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम एक साफ सी स्लाइड लेते हैं बेटा। उस स्लाइड पर हम क्या करेंगे, उस स्लाइड पर एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड देखा हमने पहले ही एक टेस्ट ट्यूब में निकाल रखा है बाहर, एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप हम स्लाइड के सेंटर में ले लेते हैं बेटा। ये देखिए मैंने कुछ ड्रॉप यहाँ पे स्लाइड के सेंटर में ले लेती है और ले लेता हूँ थोड़ा ड्रॉप ले लेता हूँ। ये देखिए ये फिक्सेटिव एजेंट, ये हमने एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप बेटा ले ली है इसमें। अब हमको क्या करना है, इसमें से जो हमने जो रूट टिप ऑलरेडी एसिटोकार्बिन में डाल रखी थी उनको उठाना है, कि रूट टिप को इसके अंदर ऐसे प्लेस कर देना है ताकि वो वॉश आउट हो सके आसानी से, जो कलर उन्होंने लिया था वो वॉश आउट हो जाए, ठीक है बेटा। हाँ ऐसे करते हैं हम लोग, ये ले लिया बेटा हमने, ये देखिए इस पर मैंने ले लिया है स्लाइड्स को। अब इसके बाद हमको चाहिए कि हम एक कवर स्लिप लेंगे, कवर स्लिप है, कवर स्लिप फोरसेप एक ले लेना, फोरसेप, एक फोरसेप की हेल्प से हम एक कवर स्लिप को इसमें ढकेंगे। और देखिएगा किस तरह से रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से उसे रखते हैं। फोरसेप मेरे पास आ चुकी है, मेरे पास कवर स्लिप है रखी हुई बेटा। इसको मैं ऐसे पकड़ता हूँ और एक साइड से इसको ऐसे रखकर किनारा एक साइड से दबा के हल्के से उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। कोशिश करिए कि उसमें बबल ना आए तो ज़्यादा अच्छा है रखते समय, ठीक है। ये मैंने यहाँ रख दिया है। अभी इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, इस तरह से ये ब्लॉटिंग पेपर को ऐसे पूरा मैंने रोल बना रखा ऑलरेडी, हल्का भी रोल बनाते हैं, मैंने दो बार तैस की बना रखी है। इसको ऐसे करके इस कवर स्लिप के ऊपर ऐसे ढकना है और ढकने के बाद हल्के से प्रेस करना है, जेंटली प्रेस करना है यहाँ पर जहाँ पर कवर स्लिप मैंने रखा है, और थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं तो जो रूट टिप का जो अगला सिरा होता है ना, और इसको थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो ऐसे इसके निचले वाले हिस्से से या कहीं से कोई नीचे का चपटा हिस्सा हो थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे करके जेंटली हल्का सा प्रेस भी कर देते हैं, जिससे सेल आराम से फैल जाती हैं इसमें कवर स्लिप में, स्प्रेड हो जाती हैं और उसमें अच्छा स्लाइड हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमने लगभग ऐसा कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्लाइड हमने देखिए हमारा तैयार है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद माइक्रोस्कोप में लगाएंगे, माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं। जैसे ही हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं, तो ये माइक्रोस्कोप में देखिए दो तरह के लेंस लगे होते हैं, यहाँ और करिए ये माइक्रोस्कोप में दो तरह के, एक 10x होता है, एक 40x होता है। 10x मतलब लो पावर, 40x का मतलब हाई पावर। तो अभी हम 10x में पहले इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। तो हमें किस तरह की सेल दिखाई देती हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। आप अपने यहाँ देख सकते हैं किस तरह की सेल उसमें दिख रही हैं, ठीक।
ठीक है बेटा। इस तरह हमारे प्रैक्टिकल इसमें क्या होता है, जब हम सेल लगाएंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हमको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि एम फेज में हमारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, सेल थ्रेड लाइक दिखाई देती है, जब इसकी सेल दिखाई देंगी प्रोफेज स्टेज देखेगी। अगर मेटाफेज आएगी तो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर पहुंच जाते हैं तो वैसे दिखाई देंगे क्रोमोसोम को। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर जाते हुए दिखाई देते हैं हमको, वी शेप बन जाते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं क्लियरली। और टीलोफेज में होते हैं क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, इस तरह ही हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। तो देखेंगे तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ऐसी स्लाइड पैटर्न दिखाई देंगी ओनियन रूट टिप का। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।